हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई एम रियली सॉरी फिर से मेरा वीडियो इतने टाइम के बाद आया, बट आ गया ना। अभी हम बिजी चल रहे हैं थोड़ा सा अपनी क्लासेस में, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। सो आज इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे अपने बेस को बनाने से पहले की तैयारियाँ करेंगे। यानी कि आप अपना बेस बनाना चाहते हो, फाउंडेशन, आपका फाउंडेशन काला पड़ रहा है, आपका फाउंडेशन स्टिक नहीं कर पा रहा है, आपका फाउंडेशन बहुत ड्राई हो रहा है, इन चीज़ों से आप कैसे बच सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली फाउंडेशन नहीं लगा के दिखाने वाली मैं आपको इस वीडियो में, मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन लगाने से पहले के वो स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो ये वीडियो जो होने वाला है ना, वो मोस्टली हर एक स्किन टाइप का बंदा कर सकता है। आपके जो भी प्रॉब्लम्स है ना कि मेरा बेस क्यों फट जाता है या मेरा बेस काला क्यों पड़ जाता है, उन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करने से पहले मैं अपना सबसे पहले हमेशा क्लीन करती हूँ फेस। अगर मेकअप कर रखा है आपने ऑलरेडी, तो आपको पता है पहले मेकअप हटाना पड़ेगा। आप माइसलर वाटर इस्तेमाल कर सकते हो, या जो मेकअप रिमूवर बाम्स आते हैं ना, उससे भी अपना मेकअप हटा सकते हो। जस्ट मेक श्योर दैट योर स्किन इज़ प्रॉपर क्लीन। तो आप वेट वाइप में थोड़ा सा माइसलर वाटर डालकर भी अपना फेस जो है वो क्लीन कर सकते हो। दैट इज़ गोना बी योर फर्स्ट स्टेप। सो क्विकली करने के बाद में आपको लेना है टोनर। आई एम यूजिंग विश हेयर का रोज़ वाटर। येस, आप रोज़ वाटर को एज अ टोनर इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी स्किन टाइप के हो, डजेंट मैटर, आप यूज कर सकते हो। अच्छा, मैंने ना टोनर हाथ में क्यों निकाला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म। सो स्प्रे में आ नहीं रहा था, हाथ में लेकर आप यूज़ कर लीजिएगा। बट कॉटन पैड्स इस्तेमाल मत करना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेची कर देते हैं आपकी स्किन को, सो ये आपको हर्ट कर सकता है। इसके बाद ना मॉइस्चराइजर नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे फेशियल ऑयल। मैं यहाँ पर लव अर्थ का फेशियल ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने हथेली में 2 से 3 ड्रॉप लिया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट करने के बाद में सिर्फ पैट कर रही हूँ। गलती नंबर वन आप क्या करेंगे ना, आप रगड़ रगड़ के लगाएंगे, जो कि गलत है। दूसरी गलती करेंगे, आप ड्रॉपर लोगे, उसको डायरेक्टली स्किन पर लगाओगे, फिर उसको टच करोगे, वो भी गलत है। हाथ में लेकर वार्म करके एक्टिवेट करके आपको उसको अप्लाई करना है, ताकि आपके स्किन के अंदर बेटर ये काम करे। और टोनर आपका ना सेमी ड्राई रहने दो, डैम्प स्किन होगा, गीला स्किन होगा तो बेटर आपको मॉइस्चराइजर काम करेगा। इन केस आपको लगे कि आपने ज़्यादा ऑयल लगा दिया है, तो टिश्यू पेपर लगाकर या तो ब्लॉट कर लेना, एक्स्ट्रा निकाल देना, या अगर आप चाहें तो उसी वेट वाइप से हल्का हल्का इसको हटा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा जो ग्रीसीनेस है वो कम हो जाए। इसके बाद आपको प्राइमर इस्तेमाल करना है। प्राइमर मैंने यहाँ पे सिलिकन बेस लिया है। अगर आपके बहुत ज़्यादा पोर्स हैं तो आप सिलिकन की बजाय क्रीम बेस इस्तेमाल करना। आपको पूरे फेस पे रगड़ने की ज़रूरत नहीं है प्राइमर को, सिर्फ हल्का सा हाथ में लेकर उसको इस तरह से डैप करना है। आपका मोस्टली जो प्राइमर है वो गाल की तरफ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पोर्स मोस्टली वहाँ पे विजिबल होते हैं। सिर्फ पैट करते हुए आपको उसको लगाना है, पूरे फेस पे गोल गोल मत घुमाना। इट्स नॉट अ मसाज क्रीम, क्रीम की तरह रगड़ना नहीं है, सिर्फ नोज एरिया को हल्का सा मसाज देना है और चिन एरिया को। इसके बाद आपको पूरे फेस पे उसको सिर्फ डैप करना है। प्राइमर कंसर्न एरियाज पे लगाए जाते हैं, ये नहीं कि पूरे स्किन पे लगा लो। अगर आपके पोर्स नहीं है तो आप प्राइमर नहीं लगाओगे। आई होप इतना करने के बाद में आपका बेस कभी भी काला नहीं पड़ सकता है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ऑल्सो यहाँ मैंने अपना फाउंडेशन, अपना कॉन्ट्रोर, अपना हाईलाइट एंड पाउडर सेटिंग कर लिया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, मेरा SMS सीजन 17 यानी कि सेल्फ मेकअप सेशन 17 नंबर का जो है सीजन 17 जो है वो आ चुका है। सो एनरोल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।